नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, जहां आयोजित न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि समय समय पर एनजीटी द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो विषय है ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश का ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी विषय है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा सेमिनार में जो भी सुझाव सामने आए हैं उन्हें लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोग गंदगी ना फैलाएं और वातावरण को शुद्ध रखें। एक जो वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है न केवल हमारे यहाँ का प्रदेश का अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं समय पर आभार करूँगा हमारे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श गोयल जी का कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए उन सब फैसलों पर हम हरियाणा राहत प्रदूषण करने की कोई राहत किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कौन देगा राहत, उससे अफेक्टेड कौन है? सिर्फ सरकार अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए आप प्रदूषण कर रहे हैं और दूसरे की सेहत खराब हो रही है, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो आपको राहत दी जा सकती है? बताइए कौन से कानून में आपको ये राइट दिया जा सकता है कि दूसरों के फेफड़े खराब करो। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां जनवरी 2022 से लेकर अभी तक 7,500 रोगी सामने आ चुके हैं। वहीं यूपी की बात करें तो 20 से ज्यादा जिलों में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपचार के लिए लगातार व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए तैनात किए जाने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें अस्पतालों में इसके लिए वैक्सीन पहुंच गई है। प्रदेश में अनुदानित मदरसे के छात्र किस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं इसका भी सर्वे होगा। उन्हें किस विषय की कितनी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण हुआ है ये सूचना पाठ्य पुस्तक अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगी है। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए थे कि मदरसों में पुस्तकों के वितरण को लेकर प्रारूप बदल जाए। छात्रों को कोर्स की एनसीईआरटी किताबों को के लिए उनके अभिभावकों के खातों में सीधे पैसे पहुंचाए जाएं, जिससे वे अपने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें खरीद सकें। मगर अब ये योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से एक बार फिर वातावरण में धुंध छाई हुई है। साथ ही हवा की गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है। आज शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को AQI 141 दर्ज किया गया है, जो हवा की गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी है। पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को लेकर भले ही सबसे ज्यादा शोर दिल्ली एनसीआर में मचता है, यहाँ की हवा अभी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच रही है। इससे पहले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता के लिहाज से दिल्ली एनसीआर रेड जोन में रहा। सभी जगहों का AQI 400 के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में ही रहा। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु और मां की मौत हुई। हॉस्पिटल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर मामला शांत किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही SCMO ने अस्पताल को सील किया। कुछ नहीं, यहाँ पर ये अपनी गाड़ी में लेकर था, सिस्टम में ग्लोबल में भर्ती कराया था, इमरजेंसी वार्ड में
वहाँ बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था, इसमें नहीं कुछ भी कर लिया जाएगी वापसी। इसके खिलाफ आप क्या कह रहे चाहते हैं? बिल्कुल सख्त सख्त जाना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर से आपकी बात हुई है तो क्या निकल के आया? डॉक्टर साहब ने खास उसमें बताया नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। हमने कलों का ऐसा किया कि आप अपराध का सब लोग बंद हुए, उनके सामने आपने बयान दे दीजिए क्या जाना क्या नहीं जाना, ये आप लोगों में बात होगी होगी। उसने आपके पास कम से कम 9 बार प्रार्थना पत्र दिया है और डॉक्टर का नाम झोल दिया, उसने आपने इस अस्पताल के खिलाफ अपनी आपने कार्रवाई नहीं करी, इस पर आप क्या देना चाहेंगे? हमने एक नोटिस देकर ठीक है, हमारी एक सूचना नहीं आई थी, महिला मरी है, हमारे आए थे कुछ कुछ पैसे का मामला था, उनका आपका बात था। लक्सर में नगर अध्यक्ष ने कहा कि पालिका के पास पर्याप्त जमीन ना होने से गौशाला बनाने में देरी हो रही है। बता दें निर्वाचन के बाद विधायक मोहम्मद शहजाद ने पालिका की बैठक में अपनी पहली विधायक निधि से 5 लाख का अनुदान गौशालाओं के लिए दिया था। 3 दिन पहले विधायक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 5 लाख का बजट ब्लॉक कार्यालय को जारी हो चुका है, वहीं पालिका जानबूझकर निर्माण शुरू नहीं कर रही है। पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने पत्रकार वार्ता कर उनके इस आरोप पर सफाई दी, कहा गौशाला के लिए कम से कम 2 बीघा जमीन चाहिए। मैं विधायक निदेशक गौशाला निर्माण के लिए दिए है, जो सीमड़ी में नाले के किनारे पर नगर पालिका की जमीन 2.25 बीघा उसकी NOC नगर पालिका ने दी थी। आज नगर पालिका वहाँ गौशाला निर्माण नहीं होने दे रही है NOC देने के बाद भी, तो ये एक बड़ी घटना है। एक तरफ हम गौ माता कहते हैं, दूसरी तरफ जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें सेवा भी नहीं करना देना चाहते। मुझे ऐसा लग खबर लक्सर से, जहां 20 वर्षीय विशाल नामक युवक को उसके ही रिश्ते के मामा रजनीश उर्फ राजू ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें विशाल और उसके रिश्तेदार का मामा विवाह समारोह में शिरकत करने गए थे। बताया जा रहा है कि वहां दोनों मामा भांजे के बीच कहासुनी हुई। मामला शांत होने के बाद दोनों मामा भांजे शाम को घर वापस लौट आए। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घर में आते ही रजनीश ने गोली चला दी। गोली मारने के बाद मौका पाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। वहां साथियों में गए थे, वहां मतलब उनके साथ क्या बोल चाल सी हुई इस बात का हमें पता नहीं। वो मतलब आनकर मतलब घेर में घास घूस घेरने लगा, मैं सकान लगी, मैं कहा भाई चल घर रख, मैं चाय बना कर रख, मैं आ रहा चाय पीऊंगा। और इतने में आ गया वो रीतिक और अज्जू और वो आपस में कान लगे, अगर कहना वो मेरा लड़का कान लगा, इन्होंने मुझे वहाँ मारा भी था। मैं कान लगी चल कोई बात नहीं, अज्जू आया और रितिक आया और उन्होंने रितिक ने इशारा करा, अज्जू ने एकदम कान लगा चल मैं तुझे बताऊंगा कोई बात, तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, एकदम गोलियां से डर के सिर में गोली मारी। कार माए एकदम था और घेर माए बोल चाल हुई बस थोड़ी बहुत ही, और मैंने कहा भी कि बोल मत ऐसे ही बस, फिर आ गएंगे गुवक में आज हमें समझूंगा तुझे, मेरे तो घर ही आपस की लड़ाई है वैसी, मेरे तेरी मेरी तो कोई लड़ाई भी नहीं है, और फिर ऐसे ही गोली मार दिया। तो किसने मारी गोली? गोली मम्मा ने मारी। क्या नाम? रज्जू मम्मा ने, और मार का बैग गया और रीति को ये पता लगा कि कहीं पीछे कुछ झगड़ा हुआ था आपस में, उसमें जो है ये ही इनका मामा रिश्ते का मामा लगता था मृतक का, ये मृतक है विशाल है और ये मामा है और रंजित और रज्जू है। इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई झगड़ा किसी शादी वादी में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसमें आके उसने आया पर उसे गोली मार दिया। इसमें जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे ही मुकदमा किया सर युवक की मौत हो गई, अभी तो ये है कि हाँ ले गए उसको इलाज के ले गए, देखते हैं क्या स्थिति है उसकी। ट्विटर की तरफ से ब्लूटिक के शुल्क लेने की बात सामने आते ही साइबर जालसाजों ने ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन करने के नाम पर लोगों को फर्जी ईमेल भेजने का काम शुरू कर दिया है। भेजे जा रहे मेल में लिंक है जिसे क्लिक करते ही यूजर का डाटा चोरी हो सकता है, वे साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। यूपी साइबर पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने
पुलिस से लोगों ने सावधानी बरतने की अपील की है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ब्लूटिक यूजर से शुल्क लेने की बात कही। वहीं आपको बता दें, एलन मस्क ने ट्वीट कर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए $8 लेने की घोषणा की है। इससे ट्विटर यूजर्स में खलबली मची हुई है। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को देर रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने प्रयागराज के सिविल लाइन्स स्थित दफ्तर में उससे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 11 अक्टूबर को ही ईडी ने अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। अब्बास अंसारी से ईडी ने शुक्रवार को करीब 9 घंटे अपने कार्यालय में पूछताछ की। उससे माफिया मुख्तार की बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई गई। देश छोड़ने की आशंका पर ईडी ने उसे पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया था। पूछताछ में ईडी के सभी सवालों का जवाब गोलमोल तरीके से देता रहा। देर रात करीब 12 बजे ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब सरकार को राज्य में पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। पुरी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कहा, प्रदूषण हर जगह एक मुद्दा है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो एक चुनी हुई सरकार को निभानी होती हैं। वे पंजाब में भी हैं, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को देखें। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक शनिवार से दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। स्मॉग की भीषण स्थिति में ने दिल्ली सरकार को अपने आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी मजबूर कर दिया। बता दें, दिल्ली में AQI लेवल 400 से ज्यादा है। दर्जनों महिलाएं असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों से परेशान होकर उनकी शिकायत लेकर पुलिस थाने में पहुंची, जहां ज्ञापन देकर असामाजिक तत्वों पर शक्ति पूर्वक रोक लगाए जाने के साथ ही नगर के सभी वार्डों के मंदिरों के सामने CCTV कैमरे लगाए जाने की मांग की गई। वहीं महिला के साथ अभद्रता की घटना के विरोध पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। जो वहाँ आने जाने वाली लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं, काफी अशब्द बोलते हैं, और हमें ये भी डर है कि ऐसा ना हो कभी हम लोग कोई जेवर वगैरह पहने रहते हैं वो भी ले जा सकते हैं, कभी कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं, और करते हैं लड़कियों के साथ, वाकई करते हैं। काफी लोग डरे हुए रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते, उनके दरवाजों पर बैठकर जो ऐसी मर्जी आती है, जो करना होता है वो शराब पीते हैं दरवाजों पर बैठकर, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह सकते। क्यों कहेंगे, तो लड़ने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं, चक्कू छुरी निकालने के लिए तैयार हैं। मेरा निवेदन है इसके विपक्ष में कुछ किया जाए। लिए उन्होंने कह रखा है कि जहां भी कुछ उधम हो, कुछ भी हो, तुरंत सजा दी जाए। आज वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो ये नियम हमारे गंजवासियों में लागू क्यों नहीं हो रहा है? मैं चाहती हूँ ये नियम गंजवासियों में भी लागू हो। सारी योजनाएं चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, इतनी हमारी सरकार इतना सब कुछ कर रही है, उसके बाद ये योजनाएं सिर्फ यहाँ पर गंजवासियों में, चाहती हूँ गंजवासियों में भी योजनाएं लागू हों, बेटियों की सुरक्षा हो, तो हम लोग ये बिल्कुल अन्याय नहीं सहेंगे। मातृशक्ति संगठन की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति तिवारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।